हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ फ्लिटमोड। आज मैं आपको पजल और सिटिंग गेम की क्लास में फ्लोर बेस्ड पजल बताने वाला हूँ। फ्लोर बेस्ड पजल ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट बेस का हम बोल सकते हैं कि मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप IBPS RRB PO और क्लर्क मेंस ले लें, IBPS PO मेंस ले लें, RBI ग्रेड V ले लें, SEBI ले लें, VFR DA ले लें। तो हमारे साथ इस क्लास में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और मैं वही तरीका बताऊंगा जो तरीका वेस्ट होता है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में बनाते हैं जो तरीका आपको भी अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज पहला मंथ है। जी हाँ, 1 अक्टूबर है। पहला मंथ तो नहीं, मंथ का पहला दिन है और आज 1 अक्टूबर है, मतलब न्यू मंथ है। आपके पास न्यू गोल्स होना चाहिए, न्यू माइंडसेट होना चाहिए, न्यू फोकस होना चाहिए, न्यू इंटेंशंस होना चाहिए और न्यू रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट क्या? गवर्नमेंट जॉब्स का रिजल्ट। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक का पीरियड जो होता है वो IBPS या बैंकिंग एग्जाम के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है कि अभी से एग्जाम स्टार्ट होगा। लगभग 4 से 5 एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जी हाँ, आपको 4 से 5 एग्जाम, कम से कम 3 से 4 में सिलेक्शन तो लेना ही लेना है और इस बार सिलेक्शन लेकर के बताना है। तो चलिए, ये तो हो गई मोटिवेशन बातें, अब हम स्टार्ट करते हैं पजल को, जिसमें ये फ्लोर बेस्ड पजल हैं जो 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम दिया हुआ है और उनका वेट अलग अलग है। जो फ्लोर है, पहला फ्लोर है, वो फर्स्ट फ्लोर है, लोअर मोस्ट जो फर्स्ट फ्लोर है और उसके बाद सेकेंड एंड डैश डैश टॉप जो है वो 8वां फ्लोर है और सबका वेट दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के फ्लोर बेस्ड पजल को आप यहाँ 4 या 5 या 6 पॉसिबिलिटीज में बनाने के लिए जाएंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती जाएगी उतना अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं वही 2 पॉसिबिलिटीज आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पजल का जो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और यहाँ हम इस राइट साइड में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फ्लोर लिख लेते हैं, 8 फ्लोर, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ, तो हमने इतना लिख लिया कि फ्लोर 8 फ्लोर है। और लिखने के बाद एक बार, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहां पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा वहां पे डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। अब पढ़ते हैं हम, द पर्सन वोज वेट इज 65 kg lives on an odd number floor at a gap of 2 floors from M. M does not live on the topmost, that is 8th floor. Q lives on the adjacent floor of the one whose weight is 85 kg. Twice the weight of the person who lives on the floor number 4th is equal to thrice the weight of the person who lives on the floor number 2nd. O lives at a gap of 1 floor from the one whose weight is 85 kg. Number of floors above L is same as the number of floors below the one whose weight is 40 kg. The weight of J is twice the weight of Q. J is neither lives on the lowermost floor nor adjacent to one whose weight is 65 kg and lives at a gap of 3 floors from Q. Q neither lives on the top nor his weight is 65 kg and whose weight is 30 kg lives just above the floor of P. Weight of O is more than that of one who lives at a gap of 1 floor above L. पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि Q यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। Q ऐसा वर्ड है, Q एक जगह रिपीट हुआ, Q दो जगह, Q तीन जगह, Q चार जगह, मतलब 4 जगह हम देख रहे हैं कि Q रिपीट हो रहा है। बट हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन Q से कहीं नहीं मिल रहा है, हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यहाँ से मिल रहा है कि ट्वाइस द वेट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4th इज इक्वल टू थ्राइस द वेट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2nd, जो 2nd पे रहेगा और जो 4th पे रहेगा, 4th का दूना और जो 2nd पे रहेगा उसका 3 गुना बराबर होगा। हम देख रहे हैं कि अगर 30 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो बराबर हमारा 90 वैल्यू ही आता है। उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि हमें वैल्यू बराबर मिले। तो हमें पता चल गया है कि जो 4th फ्लोर पे रहेगा उसका वजन क्या होगा, 45 kg होगा, 45 kg, और जो 2nd पे रहेगा उसका वजन जो होगा वो 30 kg होगा। ये चीज हमें पता चल गया, बस ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैथ का कैलकुलेशन हो रहा है, जरा सा दिमाग आपको लगाना है, घबरा नहीं है पजल का लेंथ देख करके, इसी में क्लू दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में अगर पढ़ते हैं, एन वोज वेट इज 30 kg लिव जस्ट एबव द फ्लोर ऑफ पी, एन का वजन जो है 30 kg है, हमें पुट कर दिया हमने एन का वजन 30 kg,
और वो पी के जस्ट अबव में रहता है, तो पी क्या कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे। ये चीज, ये बातें हो गई कि हमें पता चल गया इतना सारा इंफॉर्मेशन। अब पहला यहां से लेंगे, द पर्सन वॉज वेटिंग 65 के लिव्स ऑन द ओड नंबर फ्लोर एट ए गैप ऑफ टू फ्लोर फ्रॉम एम। अब पी अगर आ गया है फर्स्ट फ्लोर पे, ओड कौन सा बचा, थर्ड बचा है ओड, ओड कौन सा बचा, फिफ्थ बचा है ओड, और ओड कौन सा बचा, सेवेंथ बचा है ओड। हमें कंफर्म नहीं है कि ये कहां पे बैठेगा, दो से तीन पॉसिबिलिटीज इसमें हो रही है, इसलिए हमने यहां पे लाइन लगा दी, यहां पे एक लाइन दे दिया कि हमें पता नहीं है कि 65 केजी वाला इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज आती तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं जिस तरह से करा है, अगर तीसरी आएगी तो हम लाइन डालेंगे, चौथी आएगी तो भी लाइन डालेंगे कि हमें पता नहीं है। अब जैसे कहता है कि एम डज नॉट लिव द टॉप मोस्ट फ्लोर, एम जो है ऊपर वाला फ्लोर पे नहीं रहता है, तो अगर आप फिफ्थ फ्लोर को यहाँ पे लेंगे तो वन टू, यहाँ पे तो एन आ चुका है तो एम तो आएगा नहीं, और वन टू ऊपर यहाँ पे आठ आ चुका है तो फिफ्थ फ्लोर पे नहीं हो सकता, ये फिफ्थ फ्लोर पे 65 के जी नहीं हो सकता, या तो सेवेंथ पे हम देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज, वन टू एम यहाँ पे आ सकता है, मान के चलिए एम यहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर आपने 65 को यहाँ पे ले लीजिए, दो फ्लोर दो ही पॉसिबिलिटीज हम तो इस तरह से लेंगे वन टू, तो एम यहाँ पे आ सकता है, और 65 को अगर आपने यहाँ पे ले लिया है तो वन टू एम यहाँ पे आ सकता है, बस दो ही पॉसिबिलिटीज हो गई इसमें, दो ही। पहले हमने 65 केजी के बारे में कंफर्म नहीं था, बट एम का अगर हमने पोजीशन जाना तो 65 केजी के बारे में पता चल गया, और तीन से दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो गई। समझने का फेर है कि आप उस जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए अच्छे से, और प्रैक्टिस भी इसी तरीका से कीजिए। अब ये हो गया, क्यू लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ द वन वेट इज 85 केजी, क्यू जहाँ रहता है उसके आसपास ऊपर या नीचे 85 केजी वाले रहते हैं, क्यू के बारे में पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्यू के बारे में, द वेट ऑफ जे इज ट्वाइस द वेट ऑफ क्यू। अगर मान के चलिए दो चीज है यहाँ पे, अगर क्यू का वजन 40 केजी होगा तो जे का वजन क्या हो जाएगा, 80 केजी, और अगर Q का वजन 45 केजी होगा तो J का वजन क्या हो जाएगा, 90 केजी। ये दो चीज यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद कहता है Q और J के बीच में तीन लोग रहते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, J जो है वो 65 के अगल बगल नहीं रहता है, ये तीसरी बात हो गई। और Q का वो जो वजन है, Q टॉप फ्लोर पे नहीं रहता है और ना ही उसका वजन 65 केजी है, 65 केजी तो होगा भी नहीं, क्योंकि 65 का दुगुना हमें जे रखना है जो कि 130 केजी कहीं पे नहीं गया, 65 का दुगुना 130 होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता। क्यू को हम कहाँ पे ले सकते हैं, अगर मान के चलिए क्यू को हमने यहाँ पे ले लिया, अगर फिफ्थ फ्लोर पे हमने क्यू को डाल दिया, वन टू ऊपर तो नहीं जाएगा जे, वन टू थ्री नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी पी है तो जे नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अगर हमने Q को यहाँ पे, M ऑलरेडी है तो नहीं ले सकता, अगर हमने Q को यहाँ पे ले लिया वन टू थ्री, यहाँ पे हमें वन टू थ्री, यहाँ पे हमें J लेना होगा, तो J का वजन जो कहता है वो 60, J का जो वजन होना चाहिए Q का दुगुना हो चाहिए, और 65 अगर J यहाँ पे हम डाल देंगे तो 60 J का 65 का आधा 32.5 होता है जो कि यहाँ पे नहीं दिया है किसी का वेट, तो क्यू यहाँ भी हो नहीं हो सकता और क्यू टॉप में भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्यू बोल मना कर रहा है कि क्यू टॉप पे नहीं बैठा है, तो क्यू के इन्फॉर्मेशन एक चीज पता चल रहा है कि क्यू यहाँ पे हो सकता है 45 केजी। अब इसी पॉसिबिलिटी से हम चलेंगे, क्यू का वो ये हो सकता है वन टू थ्री, यहाँ ऑलरेडी है वन टू थ्री, ये यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में, और अगर Q का वजन अगर 45 केजी है तो J का हो जाएगा 90 केजी, ये समझिए इस बात को। इस पॉसिबिलिटी से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे नहीं, अब इससे चलेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हमने Q को, Q एक ही जगह हो सकता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ही डाला है, बाद बाकी इस पॉसिबिलिटीज को क्रॉस कर दीजिए। अब इस पॉसिबिलिटी से हम चलेंगे राइट वाले से, क्योंकि हमने सारा पॉसिबिलिटीज देख लिया कि J का या Q का पोजिशन क्या हो सकता है। नेक्स्ट करेंगे, कहता है नेक्स्ट में, द वेट ऑफ जे इज ट्वाइस ऑफ क्यू, जे इज नाइदर इन द लोएस्ट फ्लोर नॉर एडजस्ट टू वन वॉज इज 65 के जी, ये भी हमने कर लिया। एंड गैप ऑफ लिव्स ऑफ क्यू, क्यू लिव्स, क्यू नाइदर लिव्स ऑन द टॉप नॉर हिज वेट इज 65, वो भी नहीं है। एन का वजन भी हमने देख लिया कि एन का वजन 30 के जी है,
अब कहता है वेट ऑफ ओ इज मोर देन द वन हु लिव्स द गैप फ्लोर अबव एल। अब एक चीज यहां से देखिए, हमसे सारा इंफॉर्मेशन यहां पुट कर दिया, ये इंफॉर्मेशन ले लिया। अब कहता है ओ लिव्स एट ए गैप ऑफ वन फ्लोर फ्रॉम द वन वेट इज 85 kg। अब कहता है वो कहां पे रहता है, अब क्यू लिव्स ऑन द एडजस्ट फ्लोर वन द वेट इज 85 kg और 85 kg। क्यू जो रहता है उसके आगे या पीछे 85 kg वाला रहता है, तो अगर पीछे तो पॉसिबल नहीं कि 65 kg वाला है, तो यहाँ पे हम 85 kg वाला के लेंगे। उसके बाद वो लिव्स द गैप ऑफ वन फ्लोर फ्रॉम द वन वेट इज 85 kg। अगर आपने 85 kg को यहाँ पे लिया है तो वो या तो वो यहाँ पे आ जाएगा या तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओ के बारे में दो चीज हो सकता है, ओ के बारे में हम यहाँ पे श्योर नहीं कि ओ कहाँ पे आएगा, वो यही दोनों जगह आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या हो सकता है। नंबर ऑफ फ्लोर अबव एल इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन वेट इज 40 kg। एल के अबव में उतने ही लोग हैं जितने ही 40 kg वाले के नीचे हैं। अब क्या हो सकता है इस घड़ी में, ये ध्यान दीजिए। अगर हमने जे एम क्यू एन पी मतलब कि पांच लोगों का इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट जे एम क्यू एन पी पांच का इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया कि वो वहीं पे रहेगा, तीन का इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चला है, तीन का एल के एक और होगा, तीन का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चला है। कहता है यहीं पे यही कीवर्ड है, अब नंबर ऑफ फ्लोर अबव एल। अगर मान लीजिए हम ओ को हमने यहाँ पे एल को रखेंगे तो एल के अबव एक, तो यहाँ पे ना 40 kg वाला आना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, तो यहाँ नहीं हो सकता। चलिए ओ को यहाँ पे बैठा के अभी रहने दीजिए। एम यहाँ एल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है। अगर हमने एल को यहाँ पे रख दिया है, एल को मान के चलिए हमने एल को यहाँ पे रख दिया है, तो एल के अबव में नंबर फ्लोर्स अबव एल तो 1 2 3 यहाँ तीन है, तो 1 2 3 यहाँ 40 kg बनना चाहिए जो भी यहाँ भी नहीं हो सकता। तो जब यहाँ भी नहीं हो सकता, फिफ्थ फ्लोर पे एल, सेवेंथ पे भी नहीं हो सकता, तो क्या ये यहाँ पे हो सकता है एल, यही पॉसिबिलिटी से चलेंगे। तो एल के अबव में देखिए 1 2 3 4 5, तो एल के अबव में पाँच है तो 40 kg वाले के नीचे भी पाँच ही होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 40 kg वाला यहाँ आ जाएगा। अब जब L आ गया है तो O के बारे में हमें श्योर पता चल गया कि O यहीं पे बैठेगा। अब J O M Q L N P तो सात लोग बैठ गए हैं, तो एक K बता है, K का K को हम बैठा देंगे यहाँ पे। अब हमें फ्रेंड डिसाइड हो गया, स्टूडेंट डिसाइड हो गया कौन कौन सा फ्लोर। अब वजन का खेल है कि वजन किसका कितना हो सकता है। अब देखिए एल इज द सेम फ्लोर 40, द वेट ऑफ जे इज ये भी हो गया, जे इज नैदर ये भी हो गया, अब क्यू नाइदर टॉप फ्लोर नो 65 kg एंड वो ये भी हो गया। वेट ऑफ ओ इज मोर देन डैट ऑफ वन हु लिव्स एट द गैप ऑफ वन फ्लोर अबव एल, एल के गैप में एक फ्लोर अबव, एल यहाँ पे रहता है, देख लीजिए एल यहाँ पे गैप अबव एक 85 kg, तो जो एक ओ का जो वजन होगा वह 85 kg से ज्यादा होगा। तो 85 kg से ज्यादा दो चीज दे रखा है, 95 kg और 90 kg, तो 90 kg जब आ चुका है तो एक ही बचा ना 95 kg, समझिए इस बात को। कहता है कि वेट ऑफ ओ, इसी में क्लू है, वेट ऑफ ओ इज मोर देन दैट ऑफ वन हु लिव्स एट ए गैप ऑफ वन फ्लोर अबव एल, ये एल है, ये हम इसको हाँ एल, तो जब हमने एल क्या कहता है कि 85 kg एल यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अबव गैप में के है, के का वजन जब 85 kg डिफाइन हमें हो गया है, तो 85 kg से ज़्यादा दो है 90 और 95, जब 90 जे के लिए हो गया है तो सिर्फ 95 बचा जो ओ के लिए हो जाएगा। अब जब 90 95 40 85 45 65 30, सात तो हो गया, बस एक ही वजन बचाना 30 40 45 65 95 80 85 kg, तो पी का वजन कितना हो जाएगा 85 kg, ये हमारा हो गया पजल सॉल्व, फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व हो गया। इस बात को देखिए कि बहुत सारे मैसेजेस कल मेरे पास आए थे कि सर फ्लोर बेस्ड पजल, ये हमने टेस्ट सीरीज में अपने मॉक में एबीपीएस आरआरबी पीओ में मेंस में डाला था, बहुत सारे स्टूडेंट इंक्वायरी आ रही थी, बहुत लोगों से यही पजल नहीं बन पा रहा था, इसी टाइप का पजल था नहीं बन पा रहा था, तो हमने उसी को डिफाइन किया कि इसे मैथ कैसे आपको लगाना है, किस तरह से ट्रिक को पकड़नी है और सॉल्व कर देना है। फिर आप डिटेल में मत लिखने जाना, इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ।
और हम अगर 5 क्वेश्चन ड्रॉ कर लेंगे तो भैया पॉसिबिलिटीज ही ड्रॉ करते रहोगे कि सवाल भी क्रैक करोगे। एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही बनाते हैं आप। इसी बेस्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसको पॉज कर दीजिए जहां पे हमने पजल सॉल्व किया था उसी बेस्ड पे जो क्वेश्चन है, और होप कि क्वेश्चन का आंसर आप रॉन्ग मत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी ट्रिक दिया रहता है। हमारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, वहां भी मैथ हो लगेगा आपका, रीजनिंग लगेगा, दोनों चीज लगेगा। तो बिल्कुल मतलब कि जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन में भी आपको 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, इसलिए सॉल्व कीजिए 1 से 3 तक, 4 से 6 तक। आई होप कि क्वेश्चन का आंसर पूरे के पूरे आप सही दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ठाकुर कमल सर प्रोटोटाइप पे, हम आपको वहीं PDF प्रोवाइड कराएंगे। आपको हमें वहां पर पिन करना है, मैं आपको PDF वहीं पे। कोई फीडबैक है तो hi@lightboard.in पे मेल कीजिए। होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।